वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। बीते दिनों आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर रोजगार दो की ट्रेंडिंग ने तहलका मचा दिया था। रोजगार के लिए करोड़ों की संख्या में ट्वीट किए गए। इसने ये साबित कर दिया कि देश में बेरोजगारों की संख्या कितनी बड़ी है। नेशनल इलेक्शन सर्वे 2019 में भी ये बात सामने आई थी कि देश का युवा रोजगार न मिलने से सबसे ज्यादा चिंतित है। NIS प्रीपोल 2019 के दौरान 25% युवाओं ने लोकसभा चुनाव में मतदान करते समय बेरोजगारी की समस्या को सबसे बड़ा मुद्दा बताया था। यह अनुपात देश के सेंट्रल में 29% और उत्तरी भागों में 34% से ज्यादा था। NIS प्रीपोल 2019 में दो और सवाल किए गए जिन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता के साथ उजागर किया। ये पूछे जाने पर कि क्या केंद्र में NDA शासन के अंतिम 5 सालों के दौरान रोजगार के अवसर बढ़े हैं या घटे हैं, तो 45% लोगों ने जवाब दिया कि कम हुए हैं, जबकि 28% ने कहा कि बढ़े हैं। दूसरा सवाल पूछा गया था कि क्या पिछले 3-4 सालों के दौरान नई नौकरियां ढूंढना ज्यादा मुश्किल रहा या कम मुश्किल था। इस सवाल के जवाब में 49% लोगों ने कहा यह और भी ज्यादा कठिन हो गया है। बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे युवाओं की हालत गांव, कस्बों और शहरों में एक जैसी है। आंकड़े बताते हैं कि कोरोना काल में बेरोजगारों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी बढ़ी है, जो आज पूरे देश के लिए चिंता का विषय बनी है। आंकड़ों से पता चलता है कि राज्यों के पास पर्याप्त नौकरियां ही नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा युवा सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एक स्टडी के दौरान जब युवाओं से सरकारी नौकरी, प्राइवेट जॉब या अपने खुद के बिजनेस में से किसी एक को चुनने के लिए कहा गया, तो प्रत्येक 3 में से 2 ने सरकारी नौकरी को चुना। प्राइवेट नौकरी को 10 में से 1 युवा ने चुना है। तो ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।